गुज़श्ता चंद साल से जो मेरे मलंग सीरीज़ और जो फिगरेशन करता हूँ और पोर्ट्रेट करता हूँ, उसकी एक झलक आज भी इस एग्जीबिशन में आप देखेंगे। इसके अलावा जो कुछ नए तरीके के जो मैंने पोर्ट्रेट्स किए हैं वो छोटे साइज़ में हैं, एब्स्ट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है। उसमें ज़्यादातर कोशिश की गई है मैं ब्रश वर्क के ज़रिए उसके एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करूं। मैं मिक्स मीडियम और एक्सपेरिमेंटल वर्क मेरा ज़्यादा होता है, जिसमें कैनवस के अलावा लकड़ी, टीक वुड या लकड़ी के वुडन बॉक्सेस और ऑयल एंड एक्रेलिक, उसके साथ चॉक पाउडर, मार्बल डस्ट, इस तरह की चीज़ें यूज़ करता हूँ। मेरे काम के बारे में सब जानते हैं, मैं चुगताई को रिप्रोड्यूस करता हूँ। इसमें फ़र्क है, यानी कॉपी करने में और रिप्रोड्यूस करने में बहुत फ़र्क है। इसको लोग ज़रा कम जानते हैं, कम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है और कॉपीइंग क्या है। लोग अक्सर इसको धोखा खा जाते हैं कि वो समझते हैं कि मेयर कॉपी, एक ज़रा सी सिर्फ कॉपी हुई भी, ये कॉपी नहीं है, बल्कि इसमें भी उतना ही वक्त लगता है, बल्कि बसा औकात उससे ज़्यादा वक्त लगता है जब एक तस्वीर बनती है, और उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पूरा। इनमें जो पेंटिंग्स हैं उनके नाम और उनके टाइटल्स ये हैं। मेरे पीछे तस्वीर है, इसका नाम है प्रिंस सलीम और उर्दू में इसका नाम है पुरशकोह। दूसरी तस्वीर जो है वो है मुगल प्रिंसेस। तीसरी तस्वीर जो है उसका टाइटल है उरू से लाला। ये बहुत ही डेलिकेट काम है और इसको सिर्फ इस नज़रिए से न देखा जाए कि ये सिर्फ एक कॉपी है, ये कॉपी वर्क नहीं है, ये रिप्रोडक्शन है। इसको समझने के लिए इस सारे काम को, इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ता है, तब ये काम समझ में आएगा। मेरा मीडियम जो है वो वाटर कलर मीडियम है, वॉश टेक्निक कहलाती है। इसको बना के और काम करके इसकी टेक्निक खास तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है, तब ये इसका ये रिजल्ट आता है। इस ग्रुप शो में मेरी पेंटिंग के जो मौजूआत हैं वो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, बाजार्स और वहाँ का माहौल है, और ये तमाम का तमाम ऑयल ऑन कैनवस है। आर्किटेक्चरल पेंटिंग्स में ये बेहद ज़रूरी होता है कि आप आर्किटेक्चर के साथ साथ वहाँ के बाज़ार, वहाँ की स्ट्रीट, वहाँ नीचे दुकान और उससे रिलेटेड कस्टमर्स, पब्लिक, माहौल, टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। मैं भी टाइम निकाल कर कभी दोपहर, कभी सुबह, कभी रात, कभी शाम, मुख्तलिफ टाइम पीरियड में वहाँ जाता हूँ, वहाँ फील करता हूँ अपनी पेंटिंग के चीज़ों को और उसके बाद बनाता हूँ। मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि मैं एक बिल्डिंग का कोना पेंट करूं और बाकी नीचे कलरों से खेल कर उसे ख़त्म कर दूं। नहीं, मुझे मेहनत की शुरू से आदत है और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी पेंटिंग्स में पूरी एक दुनिया हो, मेरी हर एक पेंटिंग मुकम्मल पेंटिंग हो।
मेरे व्यूवर्स क्योंकि प्रीवियसली मेरा काम देखते रहे हैं तो यकीनन वो एंजॉय करेंगे इसको देखकर। इस नुमाइश में मेरे दो वुड कट डिस्प्ले हैं, एक का नाम हजूरी बाग और दूसरे का नाम बुल रशीद है। ये 5000 साल पुरानी टेक्निक है और मैं अरसा 50 साल से इस मीडियम में काम कर रहा हूँ। NCA में तालीम के दौरान सिर्फ एक कलर से प्रिंट बनाना सिखाया गया था। मैंने एक कलर से शुरू किया और आज तक 100 रंग का वुड कट तैयार किया है। आज तक किसी आर्टिस्ट ने इस मुश्किल मेहनत तलब टेक्निक को जरिया इजार नहीं बनाया। इस मीडियम से वाबस्तगी की वजह से मेरी पहचान ओनली आर्टिस्ट इन पाकिस्तान है। मेरे इस काम पर PhD रिसर्च भी हुई और 2016 में MPhil पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया। मैं अब तक 27 सोलो एग्जीबिशन कर चुका हूँ। आर्ट कॉम गैलरी की ये काविश काबिले तारीफ है और आर्ट और आर्टिस्ट की प्रमोशन के लिए ऐसे इकदाम पर शुक्रगुजार हूँ। आज के शो में 6 आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया है और इसमें मेरे 5 पेंटिंग्स हैं। और जैसे कि मेरे काम को जो आर्ट लवर्स हैं या आर्ट से मोहब्बत रखते हैं वो बारहा देख चुके हैं, मैं एक मखसूस अंदाज में काम करता हूँ और मेरे काम का ताल्लुक मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं बंगाल में पैदा हुआ, फिर ढाका फॉल के बाद मैं कराची आ गया। उस वक्त मेरी उम्र शायद 12-13 साल होगी। उसके बाद बुनियादी तालीम सारी यहीं हासिल करने के बाद एज ए बैंकर मैं कराची में रहा और साथ साथ आर्ट करता रहा। इस दफ़ा जो काम मैंने दिया है उसमें थोड़ा सा जो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको देखने में मिलेंगे, चूँकि मैं एक शफाफ दुनिया तख्लीक करता हूँ तो उसमें ज़्यादातर आपको सॉफ्ट लेयर्स और लाइनें और इंक की जो एक फ्लो है वो आप देखते रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। दो तस्वीरें मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हैं, कश्ती में कुछ फिगर्स हैं तो जिसे मैं पानी का घर कहता हूँ जिसका टाइटल है, तो उसमें ग्रीन और रेड का एक खूबसूरत इम्तिजाज आपको नज़र आएगा और इसमें एक लतीफ़ जज्बों का एहसास आपको उसमें नज़र आएगा। उसके अलावा जो पेंटिंग्स हैं, एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसमें मैंने म्यूज़िक को यानी मौसीकी को मैंने ट्रिब्यूट किया है, डेडिकेट किया मौसीकी के लिए। इस पेंटिंग के खातिर मैंने जो इसमें पेंटिंग में आपको नज़र आ रहे हैं एक साहब जो हारमोनियम पे उस्ताद हैं, महमूद अली ख़ान साहब, वो आर्ट्स काउंसिल में आज भी म्यूज़िक पढ़ाते हैं, ज़िंदा हैं। तो म्यूज़िक को समझने के लिए कि ये बैठते किस तरह हैं से हैं, ये क्या चीज़ है, क्लासिकल म्यूज़िक जो हमारी अपनी है, तो उसको पेंट करने के लिए मुझे उनसे मिलना पड़ा, एक महीने उनके साथ रहना पड़ा, फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग तख्लीक की। इसी तरीके से कराची के आर्किटेक्ट मेरे काम में आपको नज़र आएंगे, लेकिन बंगाल की नमी भी साथ साथ आपको नज़र आएगी इस काम में। दरअसल मैं तसव्वुफ़ का बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, तो तसव्वुफ़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब रखता हूँ। तो दरअसल तसव्वुफ़ को जब भी पेंट करने की कोई आर्टिस्ट कोशिश करता है तो उसमें लोग मलंग बना देते हैं, मज़ार बना देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं दरअसल तसव्वुफ़ को ही पेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि जो खुदा की डेफिनेशन हमें मिली है और औलिया कराम जो कुछ भी उनके बारे में हमने पढ़ा है, तो हमने ये जाना है कि ये खुदा तो बेशक दीवार के आर पार शफाफ देखता है और मैं उसका नायब हूँ,
वाल मुसव्विर है या तो मैं मुसव्विर हूँ, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ और मैं भी दीवार के आर पार देखने की कोशिश करता हूँ। सबकॉन्शियस लाशौरी एक रद्देअमल है जो हिंदुस्तान में इलाहाबाद के कैंप में मैंने 2.5 साल जंगी कैदी के हैसियत से मैंने गुजारे, क्योंकि मेरे वालिद भी उस वक्त फौजी थे ढाका फॉल के वक्त, तो उसके वजह से हमारे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मौत या फिर हम जंगी कैदी बन जाएं। तो इस तरह से 2.5 साल मैंने एज ए जंगी कैदी इलाहाबाद कैंप नंबर 38 में गुजारे, और उसका शायद ये एक लाशौरी रद्द अमल है कि मैं दीवार के आर पार देखना चाहता हूँ, मैं इस घुटन से निकल जाना चाहता हूँ, मैं किसी भी चीज़ की बीच में रुकावट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, शायद यही वजह होगी कि मैं इस तरह का काम करता हूँ। वी आर एट द गैलरी आर्ट कैंप एट द ओपनिंग ऑफ दिस beautiful exhibition, and the work which I have exhibited here with other group artists. My work is from my famous and so very well known and well written theme, that is, which is I think need of the time as well, that is, let peace survive. This series of mine consists of 40-50 paintings. At the moment in this gallery, 5 paintings are exhibited which show different values of peace, disturbance and final achievement, and how the peace has been taken as a play and what is the real requirement. Here in these works you will see missing of peace and achievement of peace through colors, through strokes, through line. And you will enjoy this because I am not a narrative painter, I am abstract painter. So I give you my message through abstraction.